दोस्तों ये मोगरा का प्लांट है, देखिए इसमें कितनी सारी ढेर सारी कलियां और फूल बनना स्टार्ट हो चुका है। हर जो ब्रांच है, हर ब्रांच में इसमें कलियां और फूल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये नीचे से भी देखिए कितनी ढेर सारी कलियां आ रही हैं। ये मोगरा का प्लांट जो है गर्मियों का शानदार फूल देने वाला प्लांट है, और इस प्लांट में जो फूल बनते हैं उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये जो है सभी प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं खुशबू वाले, सबसे अच्छी खुशबू ये मोगरा के प्लांट में आती है। इस मोगरा के पौधे की जो है, इसको कई जगह जैस्मीन प्लांट भी कहा जाता है, चमेली भी कहा जाता है। मोगरा के पौधे में जो फूल बनते हैं ये कई चीज़ों में काम आता है, जो परफ्यूम हो गया, सेंट हो गया, या कोई साबुन वगैरह है इसमें भी काम आता है। कई लोग इसको, इसका गजरा बनाते हैं, ये उसके भी काम आता है। और ये नारायण भगवान को चढ़ाने वाला फूल है। ये देखिए कितने अच्छे फूल आते हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस पौधे को आप अपने घर में एक पौधा भी लगा देंगे तो आपका जो गार्डन है वो पूरे फूलों से महक जाए, की खुशबू से महक जाएगा। तो इस प्लांट की जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसमें जो खाद दी गई है, जिससे जो फूल और कलियाँ बन रही हैं इसमें, वो खाद के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखना, और जो चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नेचर इन थर्ड फ्लोर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जो ये मोगरा के बारे में बता रहा हूँ, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी, जो इसकी रिपोर्टिंग और इसकी प्रूनिंग जो इस समय भी कर सकते हैं आप, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसकी रिपोर्टिंग अगर आपने टाइम से कर ली तो इसमें आगे की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, जो इसमें खाद दी जाती है रिपोर्टिंग के करीब 1 महीने बाद। उस खाद को आप देंगे, वो एक ऑर्गेनिक खाद है, उसको आप खाद को देंगे तो आपका जो पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, और इसमें जो पत्ते वगैरह सब हैं ये सब बढ़िया रहेंगे, और क्लोरोफिल की मात्रा भी इसमें उससे बढ़ती है, और पोटेशियम, कैल्शियम, हर प्रकार की जितनी भी न्यूट्रिशंस इसको पौधे को चाहिए होते हैं वो उससे मिल जाते हैं। और इसमें फूलों की जो आपकी गर्मियों में शानदार फूल खिलेंगे इसमें, उस खाद की प्रयोग से। उस खाद का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो खाद मैं आपको दिखाऊंगा बनाने की विधि, जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और इसके लिए आपको खाली मार्केट से एक चीज़ लानी है, वो है सरसों कली। सरसों कली जो है आपको कोई भी, जहाँ तेल निकालते हैं, जो तेल डालते हैं सरसों से, वहाँ आपको मिल जाएगा, या बीज की दुकान में भी मिल जाता है। ये बहुत सस्ता आइटम है, ये 30 रुपये किलो आपको मिल जाएगा, 30 से 40 भी होगा कहीं, और ये ऑनलाइन भी मिल सकता है आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में। ये सरसों कली देखिए, इस प्रकार की ये सरसों कली होती है, ये है सरसों कली। इसको आपने ज़्यादा नहीं लेना है, देखिए मैंने बना के रख रही है, ये बनाई है, इसको करीब 3-4 दिन हो गए बने हुए। इसको पौधों में मैं इसी को यूज करता हूँ ज़्यादा, हर किसी पौधे में यूज करता हूँ, लेकिन ये जो फूलों वाले पौधे हैं इसमें अगर इसका यूज़ किया जाए तो इसमें आप अच्छे फूल ले सकते हैं। ये देखिए सरसों कली को जो आप लेंगे, सरसों कली आप लेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम यानी एक मुट्ठी आप ले लेंगे, एक पौधे के लिए आप एक मुट्ठी लेंगे तो ये आपका 2 बार के लिए खाद तैयार हो जाएगी। एक मुट्ठी आप ये सरसों खली लेंगे, इसको कोई भी पानी में 2 लीटर 3 लीटर जितना भी पानी आपको पौधे में देना है, 3 लीटर करीब लगा लीजिए एक मुट्ठी के लिए, इसको आप इसमें डाल देंगे। मैंने ये बना के तैयार रखी है, और उसको इसमें डालने के बाद उसको हर दिन आपको हल्का हल्का धोलते रहना है, हर दिन एक बार इसको ऐसे घुमा देना है, और 3 दिन के लिए इसको आप इसमें घुलने के लिए रख देंगे। इसको रखना है बिल्कुल लूज ढक्कन लगाकर, कोई भी चीज़, कोई किसी भी चीज़ में रखिए, आप बोतल में बनाइए या किसी भी चीज़ में बनाइए, लेकिन उसमें ढक्कन जो है टाइट नहीं होना चाहिए, लूज, थोड़ा सा हल्का लूज, या कोई कपड़े से बांध दीजिए। इसको रखिए आप 3 दिन के लिए, जो ये खाद है आपकी तैयार हो जाएगी। ये बहुत आसान विधि से तैयार खाद होती है, इसको आप इस प्रकार से किसी भी जग में, जैसे मैंने पानी मिलाकर डाल दीजिए, और अपने पौधों में इस तरीके से आप दे सकते हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन से पहले नहीं देनी है, क्योंकि जो सरसों कली है बहुत गर्म होती है, और इसको अगर आप 3 दिन से पहले देंगे, थोड़ा पानी मिला करके होता है, इसकी थोड़ी तासीर ठंडी हो जाती है,
इससे पौधा आपका ख़राब नहीं होगा और ये कोई केमिकल नहीं होता है जिससे कि आपके, मैंने देखी इसमें धनिया भी लगा रखा, क्योंकि धनिया जो है इसकी जड़ कम होती है, तो आप कोई भी इसमें फूल वाले पौधों में या किसी में ये लगा सकते हैं। मैंने इसमें धनिया लगा रखा और सरसों का ही डाल रहा हूँ, तो धनिया को कोई केमिकल मिल नहीं रहा है, अच्छी खाद मिल रही है, तो धनिया भी मेरा अच्छा खिल रहा है। देखिए ये मेरी एक नई टेक्निक है, इसमें मैं धनिया ऐसे उगाता हूँ फूल वाले पौधों में या कहीं भी डाल दिए धनिया के दाने तो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप अपने जो मोगरा के प्लांट में इस खाद को हर चौथे पांचवें दिन, क्योंकि मैंने ये बना रखी तीन बार, दो तीन बार के लिए आपके हो जाइए, अगर इसमें पानी डाल के आप ये देते रहेंगे चौथे पांचवें दिन, तो आपका ये बरसात तक बढ़िया फूल खिलेंगे। इसमें देखिए मोगरा का प्लांट जो होता है गर्मियों में बहुत अच्छी ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, अगर आप इसको बरसात तक फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस खाद को आप यूज़ कर सकते हैं। ये खाद आपको जो है हर पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पौधों के लिए, और फूल वाले पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं, फल वाले और सब्जियों वाले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, और आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।